हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी और हेल्दी वेजिटेबल पुलाव। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। यहाँ पे मैंने लिया है 2 ग्लास चावल, उसे आधे घंटे पहले मैं धो के भिगो के रख दिया था। तेल, कटी हुई फूलगोभी, बीटरूट, गाजर, आलू, एक नींबू और मटर, ये सारी एक ही कटोरी है और बीटरूट आधी कटोरी है। उसके बाद मैंने लिया है प्याज, 2 बड़े हैं, उनको लंबे लंबे काट लिए हैं। तेज पत्ती है, कस्तूरी मेथी है, कुछ सूखे मसाले हैं जैसे कि लौंग, इलायची, जीरा, फूलचक्र, दालचीनी और ये है धनिया पत्ती गार्निशिंग के लिए, और ये है अदरक लहसुन का पेस्ट, और मैंने काजू लिया है गार्निशिंग के लिए, नमक स्वाद अनुसार। अब मैं चावल को निकाल ले रही हूँ, छान ले रही हूँ। मैंने इसे आधे घंटे पहले धो के भिगो के रख दिया था। अब जिस ग्लास से मैंने 2 ग्लास चावल लिया था उसी ग्लास से अभी मैं पानी ले रही हूँ, 3 1/2, 3 1/2, क्योंकि इसमें मैं वेजिटेबल भी डालूंगी तो उसका भी पानी रहता है, नमी रहता है, तो उससे ऑटोमेटिकली वो गल जाएगा। अब मैं तेल में डाल रही हूँ 1 तेज पत्ता और कुछ खड़े मसाले जैसे कि 3 काली मिर्च, 1 लौंग। अब मैं इसको रख दूंगी बॉईल होने। अब मैंने दूसरे गैस पे बर्तन रखा, उसमें मैंने सिर्फ 1 स्पून अभी ऑयल यूज़ किया। अब मैं इसमें डालूंगी काजू, काजू को मैं गार्निशिंग के लिए यूज़ करूंगी। इसको मैं फ्राई करके साइड में निकाल ले रही हूँ, काजू मेरे फ्राई हो गए हैं, अब मैं इसको निकाल रही हूँ। अब उसी ऑयल में मैं आलू डाल रही हूँ, ये आलू कटा हुआ 1 कटोरी है और मीडियम साइज़ के 2 हैं। मैंने इनको एकदम फ्राई नहीं किया, जस्ट शेलो फ्राई किया, हटाया है। उसके बाद मैं डाल रही हूँ फूलगोभी, ये भी 1 कटोरी है, इसको भी मैं शेलो फ्राई कर रही हूँ, मुझे डीप फ्राई नहीं करना और बहुत ज़्यादा भुनना नहीं है, जस्ट थोड़ा सा शेलो फ्राई करके हटाना है क्योंकि बाकी ये चावल में पकेगा। उसके बाद मैं डाल रही हूँ, तेल कम हो गया था, 1 स्पून और मैंने तेल डाला। उसके बाद मैं गाजर को डाल के भून रही हूँ, गाजर भी मैंने भून गया, मैं इसको भी निकाल रही हूँ। उसी ऑयल में अब मैं डालूंगी शिमला मिर्च, शिमला मिर्च मैंने नहीं दिखाया था, भूल गई थी, ये 1 शिमला मिर्च है जिसको मैंने काट लिया है, काटने के बाद ये 1 कटोरी है, इसको भी मैं भून रही हूँ। अब इसको भी मैं भून के निकालूंगी, इसको ज़्यादा देर नहीं भूनना है, जस्ट 2 सेकेंड, उसके बाद हम निकाल लेंगे क्योंकि शिमला मिर्च ऐसे बहुत जल्दी गल जाता है। अब उसके बाद मैं डाल रही हूँ बीटरूट, बीटरूट तो मैंने आधी बीटरूट ली है, ये सिर्फ मैंने कलर के लिए यूज़ किया है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है, जस्ट इसको भी मैंने शेलो फ्राई किया। अब इसको भी मैंने निकाल के साइड में रख लिया है। अब मेरे सारे वेजिटेबल भुन गए हैं, अब मैं प्याज को भूनूंगी। थोड़ा सा तेल कम हो गया है तो मैंने इसमें 2 स्पून अराउंड तेल डाला है और प्याज डाल के प्याज को मैं अच्छे से भूनूंगी, हल्का ब्राउन होते तक। मैंने यहाँ पे गैस का फ्लेम हाई रखा है ताकि प्याज अच्छे से भुन जाए। मेरे प्याज अभी ऑलमोस्ट भुन गए हैं, इसको भुनने में मुझे 2 मिनट तेल टाइम लगा है हाई फ्लेम पे। अब मैं इसको निकाल के साइड में रख रही हूँ। अब उसी तेल में, उसी बर्तन में मैं डाल रही हूँ खड़े मसाले। खड़े मसालों में सबसे पहले मैंने डाला है तेज पत्ता, उसके बाद फूलचक्र, दालचीनी, जीरा, जीरा डालने के बाद मैंने उसमें डाला है काली मिर्च, और उसके बाद मैंने उसमें डाला है बड़ी इलायची 1, और उसके बाद मैं उसमें डाल रही हूँ 3 हरी इलायची। तो हरी इलायची को मैंने थोड़ा सा कूट लिया है और उसके बाद मैं उसमें डाल रही हूँ। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, जैसे ये थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्च। हरी मिर्च मैंने 2 यूज़ किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इनको थोड़ा सा भून रही हूँ, यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम स्लो रखा है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन का एक मेरा स्पून छोटा है इसे मैंने 4 स्पून लिया, बड़े स्पून से ये 1.5 स्पून है। अब मैं कस्तूरी मेथी को क्रश करके डाल रही हूँ, क्रश करके डालने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छे से आता है। अब मैं इसको भून रही हूँ, भून के अब मैंने जो चावल को भिगो के छान के रखा था वो उसमें डाल रही हूँ, डाल के मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इसको बहुत ज़्यादा नहीं मिक्स करना, अदरवाइज़ हमारे चावल टूट जाएंगे। अब मैंने इसमें नमक डाला है, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अब उसके बाद मेरे चावल थोड़े से भुन गए हैं, मैंने जो पानी गर्म होने रख दिया था जिसमें मैंने थोड़े से मसाले भी डाले थे, उन पानी को मैं भी चावल में डालूंगी। चावल में डालते समय मुझे सिर्फ चावल में पानी डालना है, मसाले नहीं डालने हैं क्योंकि मसालों का स्वाद और सुगंध पानी में आ चुका है। अब मैं पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, मिक्स करके अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक के पकाऊंगी, हाई फ्लेम पे अभी मैं पकाऊंगी जब तक कि इसका पानी थोड़ा सा कम नहीं हो जाता है। अब मैं 3 मिनट बाद ढक्कन निकाल रही हूँ, 3 मिनट बाद आप देख सकते हैं मेरा चावल काफ़ी पक गया है। अब इस स्टेज पे मुझे वेजिटेबल डालने हैं, वेजिटेबल डालते समय हमारे चावल में बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं रहना चाहिए और ऐसा भी नहीं कि पानी पूरा सूख जाए। अब मैं मटर डाल रही हूँ, मटर को मैंने फ्राई नहीं किया था क्योंकि ये हरा मटर है फ्रोजन वाला। अब उसके बाद मैं इसमें नींबू निचोड़ रही हूँ आधा,
नींबू निचोड़ने से चावल खिले खिले बनते हैं। अब मैं सारी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके इसको मैं ढक के एक दो मिनट के लिए और पकने दूंगी। यहाँ पे मेरा गैस का फ्लेम मीडियम है। अब दो मिनट हो गया, मैं ढक्कन निकाल कर इसमें थोड़े से प्याज डाल रही हूँ आधे। मिक्स करके ढक्कन लगा के एक मिनट तक एकदम सिम पे गैस के ऊपर ही रहने दूंगी। एक मिनट बाद मैं ढक्कन निकाल रही हूँ। आप देख सकते हैं पुलाव एकदम बन के रेडी है, एकदम खिले खिले बने हैं। अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ धनिया पत्ती और बाकी कटे प्याज। पुलाव खाने में बहुत ही टेस्टी और साथ ही साथ बहुत हेल्दी है, क्योंकि इसमें हमने बहुत कम ऑयल यूज़ किया है। अब मैं इसको सर्व कर रही हूँ रायता और सिरके वाले प्याज के साथ। आप भी इस रेसिपी को बनाइए और बताइए आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।